हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित। तो आज की इस नई वीडियो में गाइस बताने वाला हूं, आपके भी मोबाइल में 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है, 5G नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको कौन सा सेटिंग करना है। देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेटिंग 5G सिलेक्ट करके रखा है, तभी यहाँ पे आपको 5G नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं नेटवर्क में चल जाता हूँ, जैसे जाता हूँ यहाँ पे देखिए सिम, यहाँ पे सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क, इसमें जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिम 5G सिलेक्ट करके रखा है। देखिए यहाँ पे 5G यहाँ पे सिलेक्ट कर, तब भी यहाँ पे 5G नहीं आ रहा है, 4G बता रहे हैं। तो आपको और कितना सेटिंग करना है, क्या करना है, तो देखिए गाइस आपको करना क्या है। सिंपली आपको सेटिंग में फिर देखा जाने का, मैं पहले से आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे 5G नेटवर्क नहीं आ रहा, आपके भी मोबाइल 4G आ रहा है। मेरे में अभी 5G चलता था पहले, लेकिन अभी 4G हो गया, तो उसको मैं 5G करके दिखाने वाला आपको। तो आपको इतना सेटिंग करना है। देखिए गाइस, सिंपली आपको सिम एंड कार्ड्स मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर चल जाना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका सिम में 1 है, सिम 2 है, तो सिम में चल जाना है। जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सिम 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए, यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्सेस पॉइंट नेम्स। इस वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करके आप 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हो देखिए, देखिए गाइस जैसे ही क्लिक करते आपको रीसेट और ड्यूटीफुल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस बार ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर दो, रीसेट एंड ड्यूटीफुल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते यहाँ पे अपना जो APN है वो यहाँ पर रीसेट हो जाएगा। जैसे ही हो जाता है गाइस, देखिए यहाँ पे थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे 5G नेटवर्क आ जाएगा मेरे में। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने मैं दिखा देना हूँ। देखिए जैसे ही यहाँ पे जियो 4G लिख के आ चुका है, तो आपको ये सेटिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे एक यहाँ पे 5G यहाँ पे रोमेंट ऑफ है, तो ऑन कर लेना है, आपको ऑन कर लेना है। देखिए मैंने ऑन कर दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपली और कोई सेटिंग है यहाँ पे 5G नेटवर्क मोड, तो सिंपली यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट कर लेते, यहाँ पे NS नहीं करना है, यहाँ पे SA भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली ऑटो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली देखिए गाइस, यहाँ पे मैं एरोप्लेन मोड करके ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही आप एरोप्लेन में ऑफ करके ऑन कर लेता हूँ गाइस, देखिए गाइस यहाँ पे अभी 4G ही बता रहा है, लेकिन आपको 5G एक्टिव हो जाएगा, थोड़ी देर लगेगी। देखिए तो गाइस देखिए यहाँ पे 5G आ चुका है। देखिए मेरे में पहले 4G बता रहा था, 5G आ चुका है। तो आपको इतना ही सेटिंग करना है, 5G आ जाएगा मेरे में। देखिए आपके सामने आपके लाइव दिखाया, मैंने 5G आ चुका है गाइस। तो आप ऐसे करके ही 5G सेटिंग कर सकते हो। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।